श्री मुक्तसर शाही पुलिस ने सुबह बुढ़ा गुज्जर रोड पर बने हुए स्कूलों के पास नाका लगा करके वाहनों की चेकिंग कर चालान काटे गए हैं, जिनमें वो विद्यार्थी जो दो पहिया वाहन का इस्तेमाल बिना लाइसेंस या कागजातों के करते हैं उन पर भी काफी सख्ती बरती गई। डीएसपी सब डिवीजन जगदीश कुमार ने कहा है कि इस तरह की मुहिम आगे भी लगातार जारी रहेगी। जालंधर के कृषि विभाग दफ्तर में आज किसानों ने धरना प्रदर्शन किया है। उन्होंने बीज डीलर पर फसल के लिए डुप्लीकेट और गलत बीज बेचने का आरोप लगाया है। डुप्लीकेट और गलत बीजों की वजह से इस बार उनकी फसल नहीं पकी है और फसल में वायरस आ गया है, तो उनका कहना है कि 70 बैग उन्होंने डीलर से खरीदे थे जो सारा बीज नकली निकला है। साथ ही उन्होंने कृषि विभाग से डीलर का लाइसेंस रद्द करने की मांग की है। कालरा से कुछ ही दूरी पर कलसियान खुर्द गांव में कुछ लोगों की मिट्टी में दबने से मौत हो गई है। यूबीडीसी रक्षा नाले पर काम कर रहे 5 लोग मिट्टी के नीचे दब गए हैं। प्रशासन ने मौके पर पहुंच करके राहत कार्य शुरू कर दिया है, जिसमें 4 लोगों को बाहर निकाला जा चुका है और पास के ही निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस मामले में खालरा थाने में ASI करमजीत सिंह ने जानकारी देते हुए बताया है कि मृतक के शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, तो वहीं मौके पर हुए हादसे की बारीकी से जांच की जा रही है। फरीदकोट की मॉडर्न जेल में नशा पहुंचाने का आरोप में एक महिला को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी महिला ने जेल में बंद अपने पति के लिए अफीम लेकर आई थी। दरअसल आरोपी महिला अपने पति से मुलाकात करने आई थी, मगर तलाशी के दौरान जेल कर्मचारियों ने युवक के सामान से अफीम बरामद की। बीजेपी के नेता राजकुमार बेरका ने कांग्रेस नेता मनीष तिवारी के उस बयान का समर्थन किया है, जिसमें मनीष तिवारी ने नोट पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ बाबा साहेब अम्बेडकर की तस्वीर भी लगाने की मांग की थी। बीजेपी नेता राजकुमार बेरका ने मनीष तिवारी के बयान को जायज ठहराया है। उन्होंने कहा है कि नोट पर बाबा साहेब की फोटो लगनी चाहिए। आपको बता दें कि इससे पहले बुधवार को दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने नोट पर लक्ष्मी गणेश की तस्वीर लगाने की मांग की थी। पंजाब सरकार के मंत्री फौजा सिंह सरारी ने DC ऑफिस में कर्मचारियों के साथ बैठक की है। वहीं लोगों को आ रही समस्याओं को लेकर जल्द समाधान की बात कही। लंबे समय से कर्मचारी मंत्री के साथ बैठक की मांग कर रहे थे। मंत्री ने कहा है कि पुरानी पेंशन की मांग को बहाल किया गया है। किसी भी कर्मचारी को समस्या का सामना न करना पड़े, इसके लिए सरकार ध्यान दे रही है। पंजाब के कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा को लेकर के बड़ा बयान दिया। उन्होंने प्रताप सिंह बाजवा पर बीजेपी के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रताप सिंह बाजवा को विपक्ष के नेता के तौर पर काम करना चाहिए। प्रताप सिंह बाजवा के बयान उन्होंने दिया था कि महाराष्ट्र की तरह बीजेपी का जहाज पंजाब में भी उतरने वाला है। प्रताप सिंह बाजवा के इसी बयान को लेकर अमन अरोड़ा ने नसीहत दी। भटिंडा पुलिस ने 3 किलो हेरोइन समेत 3 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से एक बोलेरो गाड़ी भी बरामद की गई है, जिसमें नशा लाया जा रहा था। SSP के मुताबिक तीनों नशा तस्कर हरियाणा बॉर्डर से पंजाब में दाखिल हो रहे थे। भटिंडा के गांव पथराला से पुलिस ने इन्हें काबू किया है। तीनों आरोपी जम्मू कश्मीर, लुधियाना और तरनतारन जिले के रहने वाले हैं।